Hey, good morning guys, welcome to this vlog again, vlog in mind. And so आज हम लोग जा रहे हैं हिमालयन की सर्विसिंग कराने, जो जो मैंने आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था. और आज है सैटरडे, सो आज टाइम मिला, सो लेट्स गो. स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड लेट्स सी आज क्या देख पाते हैं हम लोग. चलो लेट्स गो. सो ये है मीटियोर 350, काफ़ी अच्छी बाइक है. और इसका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू बताता हूँ कैसा है. लुक इसका मुझे सब्जेक्टिव लगा, कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, मेरे को पसंद आई स्पेशली. सो इसकी हाइट और इसका जो सिटिंग पोजीशन है बहुत रिलैक्सिंग है, हाईवे क्रूजिंग के लिए बहुत बढ़िया बाइक है. और साथ में इसके सामने अगर देखें तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक है और पीछे इसके पीछे भी डिस्क ब्रेक दिए हुए इसके. और इसका जो इंजन पावर है सफिशिएंट है क्रूजिंग के लिए. और इसका आप देखेंगे यहाँ पे जो हिमालयन का है, यहाँ पे है फुट पैग और जो ब्रेक गियर लेवर वगैरह, इसका थोड़ा आगे है, थोड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन में है. और पीछे से लुक्स देख लो आप इसके. मैंने आज बाय द वे मीटियोर 650 भी ट्राई किया विच वॉज गुड, बट ये थोड़ी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी इससे. इसका मैं डिस्प्ले भी दिखाता हूँ आपको. ओके, सो इसका डिस्प्ले ऐसा है, क्यूट सा, एज रॉयल एनफील्ड लेगेसी, डिजिटल प्लस एनालॉग. सो बीच में आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, ट्रिप एंड दैट्स इट. और यहाँ पे कुछ केजेस जो इसके मिल जाते हैं. और इसके कुछ ऐसे रोटरी स्विचेस हैं जो कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं. और ये इसका आवाज़ है, देख रहे हो, और रॉयल एनफील्ड की बैजिंग तो काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल. और यहाँ पे मीटियोर 350 का बैजिंग है, सो काफ़ी डिफरेंट है. अभी थोड़ी गंदी हुई है बाइक बिकॉज थोड़ी सी बारिश में कीचड़ में चली हुई है. और मैं आपको रोड पे इसके बारे में बताऊँगा, टेस्ट राइड करके बताता हूँ. बाकी हेडलाइट देखेंगे तो इसकी हेलोजन हेडलाइट है नॉर्मल, जैसे रॉयल एनफील्ड की आती, प्लस इंडिकेटर्स भी हेलोजन है. एंड शॉकर्स कुछ अपसाइड डाउन नहीं है एज रॉयल एनफील्ड का जैसा आता है. सो मैं आपको इसका मैं बताऊंगा, आपको रूट टेस्ट राइड करके बताऊंगा और मैं बताऊंगा ये बाइक मुझे आज मिली कैसे. सो गाइज वी आर बैक ऑन बाइक, द मीटियोर 350. इसका जो राइडिंग पोस्चर है, ऑब्वियसली मैं हिमालयन चलाता हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है और ये थोड़ी और रिलैक्सिंग उसमें है, तो मुझे चलाने में तो ऑब्वियसली मज़ा आएगा. बट आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय जो सिटिंग पोस्चर, जो जिसकी सीट है और इसका जो पीछे वाला सस्पेंशन है. वी कैन नॉट कंपेयर विथ हिमालयन, ऑब्वियसली वो एडवेंचर बाइक है तो उसका सस्पेंशन तो उसका तो खैर कोई बात ही नहीं है. बट इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइक, आई मीन दिस इज़ अगेन इम्प्रेस्ड मी अ लॉट. और इसकी जो राइडिंग है, मतलब वो भी स्मूथ है, गियर चेंज और एक्चुअली देखा जाए तो ये इसका जो गियर चेंज है, गियर लेवर है, जो भी बोल लो आप, वो हिमालयन से ज़्यादा स्मूथ है. मैं ये नहीं बता सकता क्यों ऐसा है, बट और इसका इंजन भी है, अगर क्लासिक 350 से देख लो, मेरे को लगता है एक बार जो मैंने चलाया था क्लासिक 350, उससे ज़्यादा मुझे स्मूथ ये लग रहा है. मे बी आई कैन बी रॉन्ग बिकॉज वो चलाए हुए में बहुत दिन हो गया, और वो भी ऐसा न्यू बाइक नहीं था, वो भी ओल्ड बाइक था, तो मे बी आई एम नॉट प्रीटी श्योर, डोंट कोट मी ऑन दैट. बाकी इट्स बम तो अच्छे से सोकअप कर रही है, अगेन नॉट कंपेयरिंग विथ हिमालयन बट स्टिल इट्स डूइंग इट्स जॉब. आज मैंने एक छोटा सा टेस्ट राइड मैंने लिया था इंटरसेप्टर 650, जो ट्विन सिलेंडर है वो बाइक, ऑब्वियसली बड़ा इंजन है, सब कुछ है,
बाइक चलाने में तो ज़बरदस्त है। मैं थोड़ा सा चलाया था उसका, अगर मेरे को चांस मिला तो आई विल डू द रिव्यू फॉर दैट, बट उसका जो मज़ा है अलग है मज़ा, थोड़ा सा और बड़ी बिग बाइक फील देती है वो। ये नॉर्मल, ये भी अच्छी है, लेकिन वो भी अभी कंपेयर में नहीं कर रहा हूँ अगेन, लेकिन वो थोड़ा सा बिग, ऐसा बैठने में बिग बाइक फील देती है वो, बहुत रिलैक्स है। और आगे उसका शायद स्ट्रेच लगा मुझे, इससे जो लेग पोजिशनिंग है उसका थोड़ा सा और आगे लगा मेरे को। सो ये है इसका रिव्यू छोटा सा, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया इसको करने का, फिर भी अभी मैं आपको बता दूँ ये बाइक मुझे मिली कैसे। मैं अपनी हिमालयन सर्विसिंग के लिए कराने गया था, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था, तो मुझे आज टाइम मिला, सैटरडे को वीकेंड है तो इतना काम नहीं था मेरे को। मैंने अपनी हिमालयन वहाँ पे सर्विस सेंटर पे दिया, एंड कृष्णा ऑटोमोटिव, दे आर लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो, दिस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी ऑफ रॉयल इनफील्ड इज रियली रियली सपोर्टिव। थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग मी दिस बाइक, थोड़ी देख ली। आई विल रिक्वेस्ट देम इफ आई गेट अ चांस टू रिव्यू इंटरसेप्ट 360 एज वेल एज अदर बाइक्स, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं कोशिश करूँगा वो आपके लिए रिव्यू उसका भी लेके आऊँ, उसके राइड क्वालिटी लेके आऊँ, एंड वील आई विल ट्राई अ लेवल बेस्ट, बट एट दिस मोमेंट टाइम आई एम लविंग दिस वन, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। बहुत हल्की, उससे बहुत हल्की है हिमालयन से, मेरे को बहुत ज़्यादा हल्की लग रही है ये, तो ये तो है इस बाइक का। तो और काफ़ी निम्बल है, हालांकि हिमालयन भी काफ़ी निम्बल है, आई मीन जब आप उसको चलाना शुरू करते हैं तब काफ़ी निम्बल है वो बाइक। और ये भी हैंडलिंग इसका भी बहुत, उससे ज़्यादा थोड़ी हल्की लगी मेरे को ये बाइक। सो ये छोटा सा रिव्यू था इस पर्टिकुलर बाइक का। अभी हम लोग चल रहे हैं सर्विस सेंटर पे अपनी हिमालयन को लेने, एंड देखते हैं उसका सर्विसिंग कैसा हुआ है। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, अपना टैंक आ चुका है अपने सर्विस सेंटर से, सर्विसिंग इसकी हो गई, एंड इट्स रनिंग एब्सोल्युटली ऑसम, क्या स्मूथ हो गई, और स्मूथ तो खैर थी पर और स्मूथ हो गई है, तो मज़ा आ रहा भी चलाने में। अभी टेस्ट राइड ठीक से लिया नहीं है, बट इट्स रनिंग वेरी स्मूथ, और अगेन लॉन्ग राइड के लिए तैयार है अपना टैंक। थैंक यू सो मच कृष्णा ऑटोमोटिव, एंड अगेन शायद भाई, शायद यू हैव डन अ फैबुलस जॉब अगेन। और चलो अभी घर चलते हैं, बैक होम। लेट मी होल्ड ऑन। हाँ, बाय द वे, ये जो मैं जितने भी रिव्यूज़ और ऐसा कुछ बना रहा हूँ, ये कुछ स्पॉन्सर नहीं किया इन लोग ने, इट्स जस्ट इन अ गुड फेथ, एंड मुझे भी मज़ा आ रहा है बाइक रिव्यू करने में। और ये एक्चुअली जो मैंने रिव्यू बनाया बहुत छोटा सा था, ऐसा कुछ प्रॉपर रिव्यू नहीं था, मेरे को बहुत कम टाइम के लिए बाइक मेरे को चांस मिला इस बाइक का, डोंट माइंड द प्रेजेंटेशन इन दैट व्हाइल आई वाज प्रेजेंटिंग यू द बाइक। सो मेरे को आपको बाइक दिखानी थी, मैंने दिखा दी, और अभी अपना ये टैंक के ऊपर वापस, जो कि ज़बरदस्त चल रही है। अगेन आई लव दिस बाइक। अगर मैंने फ्यूचर में चेंज भी किया, पता नहीं, ये मेरा फर्स्ट ऐसा बाइक था जो, मतलब मेरे पास और भी बाइक्स थी, बट फर्स्ट बिग बाइक कह सकते हो, या 400 सीसी क्लास बाइक कह सकते हो। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस बाइक, काफ़ी सारे इमोशन इसने काफ़ी साथ दिया है मेरा अभी तक। अगर फ्यूचर में न्यू बाइक्स आई भी, तो अभी तो फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बट आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस बाइक। सो अगेन मौसम अच्छा है, ज़्यादा
बारिश नहीं है सबसे बेस्ट है, वही सोच रहा हूँ यार एक कोल्ड कॉफ़ी पिए या कुछ करें। चलो एक कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं यार, लेट्स गो। देयर इज़ अ प्लेस, चलो लेट्स हैव कोल्ड कॉफ़ी एंड देन पुश बैक। सो पीपल फाइनली मैंने सर्विस सेंटर से बाइक मतलब सर्विस सेंटर में बात किया कि कैन आई रिव्यू सम ऑफ योर बाइक, आई मीन नथिंग अबाउट स्पॉन्सरशिप एंड ऑल दैट, ऐसे ही जस्ट फॉर अ फन। उसने बोला सर अभी कभी भी आ जाओ, एक दिन पहले बता दो एंड वील अरेंज द बाइक फॉर यू। तो देखता हूँ अभी टाइम निकाल के उसकी भी रिव्यू करेंगे। सो अभी हमने यहाँ पे कॉफ़ी तो पी ली और ये नडोरा कैफ़े इट्स अमेजिंग गाइस, लेट मी टेल यू। और यहाँ पे मैं हमेशा जाता हूँ, ये पुणे के बाद, पुणे मुंबई के बाद एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मुझे यू नो, एक तो इधर का फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये पाव भाजी है, देयर इज़ नथिंग लाइक इट, सो टेस्टी, अमेजिंग। और जो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह भी यहाँ की अच्छी हैं। तो अगर आप यहाँ आजू बाजू इस एरिया में हैं, एरिया का नाम यार मैं फिर से भूल गया बता लेना कौन सा एरिया, मैं कभी और जाऊंगा ना पक्का उस एरिया का नाम बताऊंगा आपको, बट यू कैन सर्च इट इन गूगल एज वेल, मस्ट विजिट प्लेस है, ट्राई करो आप जाके यहाँ पे। बाकी बढ़िया, वापस घर की तरफ। एंड कल है छोटी सी राइड, आई एम एक्साइटेड, संडे राइड अगेन बाय रॉयल एनफील्ड, दैट्स अगेन अ कृष्णा ऑटोमोटिव। सो कल देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, मेले भी नई जगह है, आपको भी दिखाएंगे, आओ चलो लेट्स गो गाइस। सो आई होप यू एंजॉय दिस शॉर्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, चीयर्स।